मोदी कैबिनेट का कल विस्तार हो गया। आपको बता दूं कि जिस तरीके से कई ऐसे नए चेहरे हैं जो कल मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुशील कुमार मोदी का भी नाम काफी चर्चे में थे। हालांकि सुशील कुमार मोदी को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन RJD का मानना है कि सुशील कुमार मोदी को मंत्रिमंडल में नहीं शामिल करने के पीछे का कारण नीतीश कुमार है। क्या कुछ कह रहे हैं RJD के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, आइए सुन लेते हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार किए देश के प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी सुशील कुमार मोदी जी के आदर्श हैं, उनके वर्ग के हैं, उनके जाति के हैं, जिनकी गाथा गाते रहते थे सुशील जी। राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा में कभी संबंध का सवाल जो है हमारा दूर दूर तक नहीं है। अब सवाल उठता यह है कि जिनके साथ वो हैं, जिनके स्टेपनी थे नीतीश जी के, नीतीश जी ने इनका कटवा दिया। असली बात किसी को पता नहीं है, असल बात है कि इनको नीतीश कुमार जी ने इनका टिकट जो है मंत्रिमंडल के पद का कटवा दिया लिया। देखा कि मेरा स्टेपनी केंद्र में मंत्री हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, सवाल यह ना। सुशील कुमार मोदी को पसंद करता है या अफवाह में आना है? ये आदमी आज तक जीवन में सकारात्मक राजनीति को कोई आयाम दिए हैं क्या, जिसकी पूरी राजनीति नकारात्मक विषयों से जुड़ा हुआ हो, नकारात्मक आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, उस व्यक्ति को कौन पसंद कर सकता है, जरा बताइए। ये ना कह रहे कि लालू जी ने भी करवा दिया, कोई ठिकाना नहीं। तो लालू जी के फोबिया से ग्रसित ना सुशील जी। सुशील मोदी कुछ भी कर सकते, बिना शरीर बिना पैर के अगर बात करने की किसी में अगर कला है, हाइपोथेटिकल, वो सुशील कुमार मोदी जी हैं। तो सुशील मोदी जी बेचारे अपने ही पार्टी में अगर अपने ही हाशिए का शिकार हो रहा है तो उसका हम लोग इलाज करेंगे, उनका इलाज स्वयं अपने कर्मों का वो फल भुगत रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, सीधे तौर पर शक्ति सिंह यादव का कहना था कि नीतीश कुमार ही सुशील कुमार मोदी को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने दिए, क्योंकि नीतीश कुमार के स्टेपनी हैं वो, और अगर मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से ऊपर उनका कद हो जाता, इसलिए नीतीश कुमार ने उनका मंत्रिमंडल से पत्ता कटवा दिया। इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।